हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। कल आपने देखा था कि मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की थी कि मैंने अपनी ड्रीम कार बुक कराई है, तो आज हम उसी की डिलीवरी लेने के लिए हम जा रहे हैं हिसार, यहाँ चंडीगढ़ से, जो पड़ता है अप्रोक्सीमेट 270 किलोमीटर। और सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी में पूरा टैंक फुल कराते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं इसमें, और फिर मैं निकलते हैं डायरेक्ट हिसार के लिए। चंडीगढ़ से हिसार मेरा सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपनी वरना का पेट्रोल जो है 2018 मॉडल SX ऑप्शनल, और कितने किसने एवरेज दी, कैसा पूरा ड्राइव कंफर्ट रहा? क्योंकि ये सेकंड टाइम है जो ये ऑटो स्टेशन जा रही है। इससे पहले भिवानी हम शादी में गए थे, तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं था शादी के कारण कि क्या इसका पूरा एवरेज वेवरेज ये देती है। तो इस बार पूरा इसका सारा मैं आपसे शेयर करूँगा विद प्रूफ, वीडियो वगैरह आपको दिखाऊंगा सारा कि क्या एवरेज दे रही है, कितना इसने इसके अंदर फ्यूल लगा है हमारा। तो ये तो सारा एक्सपीरियंस सारा शेयर मैं करूँगा ही साथ में। हमने कहाँ का हमने स्टॉप लिया था और क्या क्या हमने खाना वगैरह खाया, कौन से रेस्टोरेंट्स में गए, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपसे A to Z शेयर करूँगा। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले इसमें डलवाते हैं फ्यूल और उसके बाद निकलते हैं सीधा हिसार के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आइए करते हैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू। तो अब हम हिसार के लिए निकलने के बिल्कुल तैयार हैं, पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं। देखिए अब बिल्कुल खाली है गाड़ी ऑलमोस्ट। अभी मैं दिखाता हूँ इसमें टोटल कितना तेल आता है। ये इसमें अभी हम इसमें 43 लीटर तेल आ चुका है, 95 रुपये है यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में। ये अभी हम पंचकुला हरियाणा में डला रहे हैं पेट्रोल, ताकि जितना यहाँ पे से डल जाए बढ़िया ही है। अभी इसमें आ गया है 4400 रुपीज़ का आ गया, 46 लीटर, 95 रुपीज़ यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में है इसका पेट्रोल का रेट। ये मैंने इनको बोल दिया है कि 4500 का ही कर लो पूरा। ये देखो 4500 का है, 47 लीटर पेट्रोल आया है 95 रुपीज़ के। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने पूरा इसका टैंक फुल करा लिया है, 616 किलोमीटर इसमें रेंज दिखा रहा है, रेंज टू एम्प्टी। मैं एक बार इसका ट्रिप सेट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये लो यहाँ पे सेट हो गया है हिसार के लिए। अब एक बार बस हवा और डला लेते हैं, टायरों में फुल करा लेते हैं हवा, और फिर निकलते हैं सीधा हिसार के लिए। आप ये देख सकते हैं कि मैं हम यहाँ पे हवा भरवा रहे थे, तो इसका ना जब स्टेपनी का टायर चेक किया हमने, ये उल्टा पड़ा है। तो भैया कह रहे हैं कि इसको ना सामान निकाल लो, इसको अगर लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो इसमें मेक श्योर करो कि हवा डलवा लो, क्योंकि कभी भी ये यूज़ हो सकता है। तो इसको एक बार टायर को सीधा करके फिर इसमें हवा भर रहे हैं हम। ये लो भैया। सो गाइस, हवा भी डलवा ली है, टैंकी भी फुल करा ली है, अब निकलते हैं सीधा हिसार के लिए। अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं 90-100 पे आराम से चला रहा हूँ, और एवरेज अभी भी ये 16 की दे रही है। ये देखो अभी थोड़ा ना ये अपना जो अम्बाले वाला ये आता है टोल आता है, इसके बाद मैं क्रूज़ पे चलाऊंगा और आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसने कितनी एवरेज दी है। 1.6 पेट्रोल वाली है, 2018 मॉडल वाली, ठीक है। तो सारा ट्रिप का आपको मैं इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। टाइम हो चुका है 10:15, 9 बजे हम निकले थे सुबह, और हमें दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। देखो सामने भी कोई नहीं है, और आप पीछे भी चेक कर सकते हैं, ये देखो पीछे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। हम क्रूज लगा के 80 पे, और तब ये देखो चल ही जा रहे हैं, बस कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे मर गए हैं। और कैथल भी आने वाला है, 57 किलोमीटर कैथल रह गया। देखते हैं कोई बढ़िया सा मिलेगा अगर रेस्टोरेंट, तो ऐसे तो ये फौजी ढाबा वगैरह पता नहीं कौन कौन से ढाबे आ रहे हैं, बट हमें कोई थोड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट चाहिए। तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ कि कोई हमें रेस्टोरेंट मिल जाए, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। अपना टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, तो आपको दिखाते हैं कहाँ पे हम। लो जी, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमें मिल गया है RK फैमिली रेस्टोरेंट। देखते हैं कैसा खाना है यहाँ का, जिस हिसाब से रश है और बना हुआ है लग तो रहा है कि अच्छा है। बाकी देख के ही अभी खाना खा के मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा है। गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं है, ऐसे ऐसा इन्होंने कुछ बढ़िया सी बना रखी, यहीं कहीं ऐसी लगानी पड़ेगी। सो ये हमारे आलू प्याज पराठा आ चुके हैं दही के साथ और मक्खन। एक बार इन्हें खाते हैं और फिर बताते हैं हमारा रिव्यू RK फैमिली रेस्टोरेंट के बारे में, जहाँ हम रुके हैं कि कैसा लगा हमें। देखिए RK रेस्टोरेंट जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे,
तो हवा में इनके वॉशरूम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके वीटा बूथ भी है, वॉशिंग सेंटर भी है, आरके वालों की नर्सरी भी है, और ये रहा इनका फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पे आप अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो पूरा रिकमेंडेड है, अगर आप कभी भी यहाँ से चंडीगढ़ टू ऐसे हिसार इस रोड से कभी जा रहे हो तो आप आके यहाँ पे अपना ज़रूर खाना टेस्ट कर सकते हैं। खाना इनका बहुत अच्छा था और रेट भी बिल्कुल जेन्युइन थे। अब हम जा रहे हैं वापस हिसार के लिए, और यहाँ से अभी लगभग है 167 किलोमीटर। ये यहाँ पे विलेज टिकरी है जहाँ पे ये आरके रेस्टोरेंट था। अभी बज गए हैं यहाँ पे 11:16 हो गए हैं, लगभग 12:30 तक पहुँच जाना चाहिए हमें जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है। बाकी आपको आगे का मैं अपडेट देता रहूँगा। करते हैं अपनी गाड़ी शुरू और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने हिसार के लिए। अभी आगे ट्रिप कंटिन्यू करने से पहले मेरी नज़र पड़ी है, एवरेज देखो अब 19.2। लोग कहते हैं हमें वरना डीजल इतनी एवरेज दे रही है, ये देखो क्रूज़ 80 पे सेट करके ला के 19.2 की एवरेज निकाली, और अभी भी हिसार 160 किलोमीटर पड़ा है, और मैं इससे भी ज़्यादा आपको एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। पेट्रोल 2018 1.6 वरना से। तो आगे का ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तंदूरी पराठे थे इनके और बढ़िया खाना लगा हमें, एक नंबर मज़ा आ गया। कभी अगर आप आओ ना इधर चंडीगढ़ से इधर हिसार वाली साइड जरूरी है। ये देखो गाइज यकीन हो रहा है 19.9, अभी भी लगभग है 1.25 घंटे का रास्ता है। मेरा टारगेट अब जैसे जैसे लालच बढ़ रहा है मेरा इसका 20 के पास जा रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको 22 तक पहुँचाना है। क्या लगता है जाएगा? 80 पे कभी भी क्रूज पे चल रही है, और आप देख सकते हैं 12 बजने वाले हैं, सुबह 9 बजे मैं निकला था जब मैं आपको दिखा रहा था कि मैं पेट्रोल डला रहा हूँ। सड़कें बहुत अल्टीमेट है, लेकिन अभी मैंने एक उल्टी साइड से ना नाका लगा देखा इंटरसेप्टर का, बीच में मन तो कर रहा है भगाने का। सामने देखो, सामने भी खाली है, पीछे देखो कोई गाड़ी नहीं है, पूरी सड़क खाली है। और अब जाके ये पैच फ्री सड़क शुरू हुई है, लेकिन बस वही है ना कि एवरेज का चक्कर नहीं है, चलानी है अपने घर पहुँचाना, उस चक्कर में सेफ रहो अपना, जो आपका नॉर्मल टाइम है 4 घंटे या 5 घंटे पहुंचो, बट स्पीड लिमिट में चलाओ, एवरेज अपने आप ही आएगी। और देखो 19.9 में वेट कर रहा हूँ कि 20 कब होएगी। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि 20 की एवरेज ने दे दी है, और मैं सच में हैरान हूँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि 4 साल हो गए मुझे। और आप नीचे देख सकते हैं 22,000 किलोमीटर भी आज इसके कंप्लीट हुए हैं 4 साल में जब ये हिसार जा रही है, और आज तक मैंने इतनी एवरेज इसकी कभी नहीं देखी। एक जब ये भिवानी गए थे तब भी इसने 16 की दी थी, उस टाइम ये 15,000 वाली सर्विस भी नहीं हुई थी। हाँ बट 15,000 वाली सर्विस के बाद इसने ना एवरेज देनी शुरू कर दी है, ये चीज़ तो है। सिटी में भी मेरे को 13-14 दे रही है ये आजकल, एट प्रेजेंट भी अगर मैं अभी जैसे आज 13 फेब है और बात करूँ इसकी एवरेज की, तो अभी भी मेरे को 13-14 तो इन सिटी भी दे रही है। और अब आप देख सकते हैं कि AC भी चल रहा है यहाँ पे, AC। फाइनली अब 200 किलोमीटर होने वाले हैं तब जाके 20.4 की एवरेज इसकी पहुँची है। मुझे लग रहा है 22 का तो कुछ ज़्यादा ही लालच कर लिया है, इससे ऊपर ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग रहा है 20.5 तक जा सकेगी, उससे ऊपर तो क्या ही जाएगी। बाकी आप यहाँ के अम्बाला हिसार रोड के खेत भी देख लो, बाकी अच्छा है ये वाला हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दिल्ली की तरफ से ना आना चाहे कोई तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, खाली सड़कें रहती हैं, बाकी ट्रैफिक भी बहुत ही ना के बराबर है। हिसार अब यहाँ से रह गया 49 किलोमीटर, हिसार रह गया अपना 49 किलोमीटर यहाँ से। हाँ भाई अमरूद कैसे दिए? लाल है और सफ़ेद वाला कौन सा है? और लाल वाला ये कितना बताया? 80। ये खड़ी अपनी काली नागनी, और ये देखो कितने सारे बेर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, परसों से पैसे। इतनी धूप में हाईवे पे खड़े हो तुम, कितनी कमाई हो जाती होगी यार? ये लाल वाले हमने अमरूद ले लिए हैं 1 किलो,
दोस्त के घर जा रहे हैं तो खाली हाथों जाएंगे नहीं। एक अभी हमने ले लिया है अमरूद, अमरूद ले लिया और अभी कुछ मिठाई वगैरह भी ले लेंगे, फिर चलते हैं उनके घर पे। लो जी, आफ्टर लॉन्ग वेट 20.5 भी हो गई है,